नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह। चलिए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा खबरों की तरफ। भोपाल की कोहफीजा पुलिस ने आमिर की नायाब सूबेदार की शिकायत पर सेना की ही हेड कांस्टेबल के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज किया है। आरोपी पहले ही बेंगलुरु स्थित हेड क्वार्टर में पदस्थ था, वहां से उसने दस्तावेज चोरी कर लिया। इसके बाद भोपाल में पोस्टिंग के दौरान 14 अलग अलग बैंक से करीब 50 लाख रुपए का लोन ले लिया। अहमदनगर निवासी राजेश यादव सेना में नायाब सूबेदार, वर्तमान में वह कोलकाता में पदस्थित है। साल भर पहले उन्होंने लोन के लिए बैंक की अप्लाई किया था। बैंक ने बताया कि उन्हें के नाम से भोपाल में 14 अलग अलग बैंकों में करीब 41,21,000 रुपए का लोन पहले से है। यह सुनकर बजेंद्र चौक गए। उन्होंने जानकारी निकाली तो पता चला कि बेंगलोर हेडक्वार्टर में उन्हीं के का हम नाम राजेश यादव हेड कांस्टेबल क्लर्क के पद पर पदस्थित था। उन्हें संदेह है कि इस दौरान आरोपी ने उनके पैन कार्ड, आधार कार्ड समेत अन्य दस्तावेज चोरी कर लिए हैं। बाद में आरोपी का ट्रांसफर भोपाल हो गया। यह उसने नायाब सूबेदार के दस्तावेज लगाकर अलग अलग 14 बैंकों में करीब 41 लाख रुपए का लोन निकाल लिया। पुलिस आरोपी की जानकारी जुटाने में लगी है। बताया जा रहा है कि आरोपी ने करीब 50 लाख का फर्जी फंड किया है। सर, एक धोखाधड़ी की गई है और जो बताया जा रहा है वो सेना में पदस्थ है, क्या कुछ पूरा मामला है? हाँ, वो बेसिकली मामला ये है, मिस्टर जादव राकेश है, जो यहाँ पे सेना में पदस्थ थे लगभग 2 साल पहले। उनके सेम नाम का व्यक्ति, जिसके से पिता का नाम चेंज था, उसके द्वारा फर्जी दस्तावेज बना करके यहाँ पर एक्सिस बैंक से एवं अन्य कई बैंकों से लोन लिया गया था। लगभग फरियादी के द्वारा बताया गया कि 50 लाख का लोन उसके नाम पर लिया गया है, जिसमें से कुछ पैसा उसके द्वारा कुछ समय तक जमा किया गया और लेकिन उसके बाद वो भगोड़ा उद्घोषित हो गया है आदमी से। तो उस पर से चूंकि थाना कोहफीजा में जांच चल रही थी, तो जांच पर आए तत्वों के मुताबिक 420, 460, 460 का मामला पंजीबद्ध किया गया है और सारे साक्ष कलेक्ट किए जा रहे हैं। सर, ये कहाँ की बैंक है? भोपाल की बैंक है, अलग अलग जगह की बैंक है? ये भोपाल की मूल बैंक है, जो एक्सिस बैंक है, जिसपे धोखाधड़ी की गई है। शेष अन्य 12-15 बैंक है जिसपे उसके द्वारा एफआईआर की गई है।